दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, केएल राहुल की बल्लेबाजी पर पिता हुई भारतीय महिला खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी को देखते हुए भारतीय महिला खिलाड़ियों का बयान सामने आया। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने बयान देते हुए राहुल के बारे में तारीफ भरी बातें कह डाली और अपने बयान में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार केएल राहुल की पारी को देखकर भारतीय महिला खिलाड़ियों का क्या बयान सामने आया, जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि केएल राहुल और रोहित शर्मा और क्रिस गेल में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में रोमांचक मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने बड़े ही आसानी से 4 विकेट के दम पर जीत दर्ज करते हुए सीरीज को अपने नाम कर लिया। दरअसल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 39.4 ओवर में मात्र 215 रन बनाए, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए ये लक्ष्य काफी ज्यादा बड़ा साबित हुआ, जहां पर टीम इंडिया की जीत के सूत्रधार गेंदबाजी में कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज रहे। वही बल्लेबाजी में अनुभवी केएल राहुल ने मध्यम क्रम में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 86 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद पारी को संभाला और हार्दिक पांड्या के साथ 5वें विकेट के लिए 75 रनों की साझेदारी की। तो वहीं हार्दिक 53 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद राहुल को अक्षर पटेल का साथ मिला। दोनों ने 6वें विकेट के लिए 30 रनों की साझेदारी की और केएल राहुल 130 गेंदों पर 64 और कुलदीप यादव 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर नाबाद रहे और इस मुकाबले को 43.3 ओवर में भारतीय टीम ने अपने नाम 4 विकेट से कर लिया। जिसके बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों का बयान राहुल पर आया, जिसमें स्मृति बंधारा ने बयान देते हुए कहा कि इस मुकाबले में राहुल ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी की और दिखा दिया कि उनसे बेहतर बल्लेबाज इस समय कोई भी नहीं है। जहां पर भारतीय टीम के लिए राहुल ने दिखा दिया कि टीम को संभालकर अंतिम समय में टीम को जीत किस प्रकार से दिलाई जाती है। और इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम में राहुल T20 स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन वनडे फॉर्मेट उनके लिए सबसे बेहतर है, जहां पर वो टीम को संभालकर आगे ले जाते हुए जीत दिलाते हैं। इसके अलावा हरमनप्रीत कौर ने बयान देते हुए कहा है कि राहुल के द्वारा श्रीलंका के खिलाफ खेली गई धीमी पारी जीत के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि राहुल ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिखा दिया कि उनसे बेहतर बल्लेबाज इस समय भारतीय क्रिकेट में कोई भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि वनडे में कई और भी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये वनडे फॉर्मेट के दृष्टिकोण से सबसे बेहतर और महत्वपूर्ण पारी है, क्योंकि आप टीम को स्थिति के अनुसार संभालने के बाद जीत लाने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, मिताली राज ने बयान देते हुए कहा कि इस मुकाबले में राहुल के द्वारा खेली गई अर्धशतकीय पारी सबसे महत्वपूर्ण पारी थी, क्योंकि इस मुकाबले में राहुल के अलावा किसी भी बल्लेबाज ने बेहतर पारी नहीं खेली थी, ऐसे में उनका अनुभव के साथ खेलना बहुत जरूरी था। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए राहुल ने जो भी महत्वपूर्ण पारी खेली है उसके लिए उनको मैन ऑफ द मैच भी बनना चाहिए था, लेकिन गेम चेंजर खिलाड़ी के नाते उनको सम्मानित किया गया और यहां पर राहुल ने दिखाया है कि उनसे बेहतर बल्लेबाज कोई नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में जीत का हीरो कौन है? अपनी राय हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।